हे यू ऑल एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अब बज गए हैं 10, हम लोग उठ गए हैं, रेडी हो गए हैं, फ्रेश हो गए हैं एंड अनाया यहाँ पे नीचे खेल रही है, स्माइल बहुत कर रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। एंड अभी मैं करूँगी ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन, अनाया ने अभी फीड कर लिया है तो उसके लिए ब्रेकफास्ट थोड़ा लेट बनेगा, एक घंटे की गैप में मैं उसे ब्रेकफास्ट दूंगी। तो उसके लिए आज क्या बनने वाला है, हम लोग तो हमेशा की तरह ब्रेकफास्ट में पोहा ही खाने वाले हैं, तो उसके लिए कुछ बनाऊंगी स्पेशल, तो वो आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड अनाया देखिए यहाँ पे कितनी मस्त खेल रही। नानो, हे नानो, यू आर हैप्पी, यू आर सो हैप्पी, से हाय, से हाय, हाय बेटू, हाय, हा हा, तू कसं म्हणते, जॉनी जॉनी, यश पापा, eating sugar, no papa, telling lies, no papa, open your mouth, ha ha ha, ha ha ha, okay, तो अभी मम्मा जाएगी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए एंड आप अकेले खेलोगे, राइट? ओके, गुड गर्ल। और अब क्रॉलिंग के बाद अनाया की कोशिश चल रही है बैठने के लिए। अभी अनाया होने वाली है 6 मंथ्स की, तो वो बहुत ज्यादा ट्राई कर रही है कि वो बैठ पाए। कम ऑन, कम ऑन, यस यस यस, ट्राई ट्राई वन मोर टाइम, हे बेब, यहाँ पे मेरा पोहा बिल्कुल रेडी हो चुका है। साथ में यहाँ पे अनाया के लिए हो रहा है पानी गरम, तो मैं उसे रोज़ मॉर्निंग में पानी उबाल के रखती हूँ उसके लिए, और फिर दिन भर वो ठंडा होने के बाद उसे पिलाते हैं हम। नॉर्मल घर का फिल्टर पानी, फिल्टर का पानी ही हम उसे पिलाते हैं, कोई बिस्लरी वगैरह नहीं। और उसी के साथ ये है चाय, साथ में चाय भी उबल रही है, पहले हम खाएंगे पोहा फिर चाय पियेंगे। और साथ ही में यहाँ पे प्रिपरेशन चल रही है अनाया के ब्रेकफास्ट की, तो अनाया को आज ब्रेकफास्ट में हम लोग देने वाले हैं एप्पल। तो पहले एप्पल को मैं पील कर लेती हूँ, हाफ एप्पल उसे देने वाले हैं। मैं अनाया को एप्पल उबाल के खिलाने वाली हूँ, बट वो बहुत रो रही थी, शायद उसे नींद आ रही है या भूख लग गई है, समझ में नहीं आ रहा था, तो हमने उसे थोड़ा सा निबलर में डाल के दिया है एंड वो खुद के हाथों से ही बढ़िया से खाती है, जैसे भी जितना भी उसमें से जूस जाए। बाकी मैं उसे फिर ब्रेकफास्ट में आज एप्पल उबाल के दे रही हूँ। एप्पल्स उबालने के लिए मैंने यहाँ पे पानी गरम करने के लिए रख दिया है, और यहाँ पे मैंने एप्पल्स भी कट हो गए हैं, तो ये जो छोटे छोटे जो ये दिख रहा है, ऐसा कुछ भी आपको नहीं रखना है, पूरा निकाल लेना है एप्पल में से, और सिर्फ ऐसे भी से ही आपको छोटे छोटे करने हैं एप्पल के। और यहाँ पे आधा एप्पल मैंने उबालने के लिए डाल दिया है, अनाया के लिए आधा एप्पल बहुत हो जाता है, उसमें से भी थोड़ा बच ही जाता है, जब उसका पेट भर जाए, उसने ना बोल दिया तो मैं उसके बाद उसे नहीं खिलाती हूँ ज़बरदस्ती। तो आधा एप्पल 5 to 6 मंथ्स के बच्चों के लिए बहुत हो जाता है। अनाया का पानी उबल चुका है और ठंडा होने का बचा है, दिन भर उससे इतना पानी चल जाएगा, उसमें से भी बच ही जाता है। और फिर ये हमारी चाय भी हो चुकी है, बस एक बार गर्म करके हम भी चाय पियेंगे। एप्पल को उबलने के लिए सिर्फ 5 मिनट लगते हैं, तो मैं पानी पहले गर्म करने के लिए रख देती हूँ कि मेरा काम जल्दी से हो जाता है। एंड यहाँ पे एप्पल उबलने के बाद मैं ले रही हूँ उसे एक प्लेट में, और पाव भाजी स्मैशर जो होता है उससे अच्छी तरीके से स्मैश कर लेती हूँ। मैं अवॉइड करती हूँ जितना कम मिक्सर का यूज़ कर सकूँ उतना कम करती हूँ, हाथ से जो चीज़ें मैश हो जाती है उसे हाथ से ही करके खिलाती हूँ, डॉक्टर ने ही वैसे कहा है। अगर ऐसी कोई चीज़ है जो हाथ से हो ही नहीं सकती तो उस केस में मैं मिक्सर का यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे हो गया अनाया का ब्रेकफास्ट रेडी, अब अनाया भी रेडी है खाने के लिए, उसे नींद बहुत आ रही है तो जल्दी जल्दी खिला देते हैं और उसके बाद वो सोने वाली है पक्का। तो यहाँ पे पापा आज उसे खिलाने का काम कर रहे हैं, हम दोनों में से जो भी फ्री होगा उसे खिला देते हैं हम लोग। अनाया को आ गई है नींद, इसलिए उसे खाना भी नहीं खाना है, तो थोड़ा थोड़ा खा लो बेटू, हाँ, गुड गर्ल, गुड गर्ल, यू गुड गर्ल बेटू, हाँ, थोड़ा थोड़ा घे घे गे, गे। उसे नींद आ रही है इसलिए अभी उसे खाने का भी मन नहीं हो रहा है, जब वो बहुत बार मुंह में हाथ डाल रही है मतलब समझ जाना उसे नींद आ रही है। नो नो नो,
यस हाँ गे 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 हाँ नन्ना छान छान है कश वाटल टेस्टी टेस्टी है टेस्टी टेस्टी खाऊंगी खाऊंगी नहीं पाहिजे ना पाहिजे खाऊंगी खाऊंगी पत 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 घे घे घे। अभी बज गया है 1 और अनाया का बहुत ही लंबा वाला नैप चल रहा है। वो 11 बजे से सोई है, अब तक उठी नहीं है, मेरे आवाज़ से शायद उठ रही है एंड वो सोई है। तो तब तक हम लोग बना लेंगे लंच। मैंने 1.5 घंटे में बहुत ही अच्छे से अपना काम कर लिया सब कुछ, तो एडिटिंग वगैरह मेरी बहुत कुछ हो गई है। ऐसा अनाया जब सो जाती है ना तो मेरा बहुत काम होता है। तो अभी खाना बनाते हैं क्योंकि आंटी आए नहीं है और अभी 1 बज गया है। हमने वैसे ब्रेकफास्ट 11 बजे किया था ना, तो हमें भूख नहीं थी ज़्यादा, तो सोचा चलो अभी खाना बनाते हैं। तो खाने में आज बन रही है अंडा करी, रोशन की फेवरेट। वीकेंड पे उससे जो चाहिए वो मैं बनाने की कोशिश करती हूँ, और जब भी आंटी नहीं रहते स्पेशली तब मैं मेरे हाथों से कुछ अच्छा बनाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि रोज़ तो वही आंटी के हाथ का खाना पड़ता है। तो चलिए फिर आज बनाते हैं अंडा करी। उसके लिए रोशन ऑलरेडी वहाँ पे अंडे बॉईल करने के लिए रख रहा है, वो अभी जिम से आया है। तो मैं अभी जाके इंटरफेयर करती हूँ, इंटरफेयर बोलने से अच्छा मैं बनाती हूँ। एंड वैसे उसके साथ ना हमें ज्वार की भाकरी पसंद आती है, बट मुझे वो बहुत अच्छे से आती नहीं है, तो मैं आज रोटियाँ ही बनाऊँगी। और मुझे लग रहा है मैं रोटियाँ बहुत टाइम के बाद बना रही हूँ, क्योंकि सुबह के लिए तो आंटी है और शाम के लिए मैं खाना बनाती हूँ, तो तब हम लोग कुछ लाइट खाते हैं जैसे कि खिचड़ी वगैरह या फिर दलिया, ये वो सब कुछ ऐसे खा लेते हैं, सैंडविचेस ये वो। तो क्या होता है ना, रोटी बनाने का चांस नहीं आता, तो आज बहुत दिनों के बाद मैं रोटियाँ भी बनाऊँगी। सबसे पहले यहाँ पे एग्स बॉईल करने के लिए रख दिए हैं 5 एग्स। पता नहीं कौन खाने वाला है क्योंकि मैं खाती नहीं हूँ, बट आजकल थोड़ा थोड़ा ट्राई करती हूँ खाने का, तो एक हाथ कैसे कैसे वाइट वाला पोर्शन खा लेती हूँ, बट पता नहीं रोशन 4 कैसे खाने वाला है आज। तो यहाँ पे रोज़ ना मैं अनाया को 1-1 ड्राई फ्रूट देती हूँ, तो उसके लिए कभी 2 बादाम दी थी इसके पहले, अभी मैं ये अखरोट उसके लिए भिगोने के लिए डाल रही हूँ। उसे ड्राई फ्रूट्स देती हूँ तब मैं पहले भिगोती हूँ उसे 4-5 आवर्स एंड देन उसे फिर ऐसे घोल के मैं आपको दिखाऊंगी आगे वीडियो में मैं उसे कैसे देती हूँ। तो ये पहले भिगने देते हैं 4-5 घंटे। तो यहाँ पे मेरी सारी प्रिपरेशन हो चुकी है अंडा करी बनाने की, और सबसे मुश्किल काम होता है तो ये लहसुन को छीलना। मैंने यहाँ पे 1 प्याज लिया है जिसे लंबा काट के लिया क्योंकि मैं इसे ग्राइंड करने वाली हूँ। लहसुन लिया है, अदरक लिया है एंड 1/2 प्याज मैंने यहाँ पे बारीक कट करके लिया है क्योंकि मैं सब्जी में डालने वाली हूँ डायरेक्टली फ्राई करते वक्त। और 1 टोमेटो मीडियम साइज का लिया है, और यहाँ पे धनिया पत्ता मैं अभी तोड़ के लेने वाली हूँ। सब्जी बनाने से पहले थोड़ा सा आटा यहाँ पे भिगो के रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि जब तक सब्जी बनेगी तब तक ये सॉफ्ट हो जाता है और उससे रोटी अच्छी बनती है। तो मैं हमेशा ऐसा करती हूँ, सब्जी की प्रिपरेशन होने के बाद पहले आटा भिगो के रेडी करती हूँ। तो यहाँ पे सब कुछ जो है वो भी मिक्सर की जार में मैं डाल रही हूँ। साथ ही में मैं थोड़ा सा धनिया पत्ता भी डालती हूँ पीसते वक्त, जिससे टेस्ट सब्जी का और कलर बहुत अच्छा आता है। थोड़ा सा इसमें जीरा भी जाएगा जिससे टेस्ट सब्जी की अच्छी आएगी। और अभी इन सबको मैं पीस लूँगी। यहाँ पे ये मसाला पीस के रेडी हो चुका है, बट मुझे सब लग रहा है कि मिक्सर की आवाज़ से कहीं अनाया उठ तो नहीं गई होगी, तो मैं अब एक बार उसे देख के आती हूँ। अनाया कुछ ज़्यादा ही गहरी नींद में है, वो मिक्सर की आवाज़ से भी नहीं उठी, तो मैं मेरी सब्जी पटापट बना देती हूँ अभी। सबसे पहले तो मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ ऑयल, ये सब्जी में थोड़ा ज़्यादा ही ऑयल जाता है। ऑयल को थोड़ा गर्म होने दूँगी। ऑयल के गर्म होते ही मैं इसमें डाल रही हूँ जीरा और राई, उसके बाद जो पीसा हुआ मसाला था वो मैं इसमें डाल दूँगी, क्योंकि प्याज वगैरह हमने भून के नहीं लिए थे, तो इस मसाले को हम तेल के साथ अच्छे से भूनेंगे जब तक ये थोड़ा सा अपना कलर चेंज नहीं कर लेता। जब तक यहाँ पे मसाला हो रहा है तब तक मैं यहाँ पे अंडों के छिलके निकाल लेती हूँ। ये अंडे उबल चुके हैं अच्छे से, ज़्यादा मसाला नहीं है इसलिए जल्दी से वो जलने लगेगा, बट ये जला नहीं है, ऐसे ही हमें ब्राउन चाहिए था। ये हो गया है अभी। अब हम इसमें डालेंगे सूखे मसाले, तो हल्दी पाउडर, इसमें जाएगी रेड चिली पाउडर, मैंने ग्रीन चिली का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है, तो रेड चिली पाउडर थोड़ा ज़्यादा ही जाएगा।
यहाँ पे थोड़ा सा कलर वाला भी डालती हूँ। यह है होममेड गरम मसाला। फिर यहाँ पे जाएगा धनिया पाउडर, मैंने इसमें ये धनिया पाउडर भी डाल दिया है। अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसमें अभी बस बचा है तो नमक डालना, बट ये मसाले जल जाएंगे। तुरंत मिक्स करने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी ताकि मसाले जले ना। तो ये मिक्सर की पॉट में जो पानी बचा था बस वही मैं इसमें डाल रही हूँ। आके देखा तो अनाया यहाँ पे उठ के रेडी है और मुझे पता भी नहीं चलने दिया। थोड़ी सी रोती तो मुझे पता चलता कि अनाया उठ गई है, बट ये तो शांति से खेल रही थी। हाँ ना बेटू, आजा मुन्ना प्यारे। अब अनाया का डायपर पहले तो चेंज करना पड़ेगा क्योंकि उसे 2 घंटे से ज्यादा हो गए हैं। डायपर और उसे भूख भी लग गई होगी। एप्पल के बाद अनाया तुरंत सो गई थी। देखो बस सुन झुकली गई। हाँ क्यों इतना नींद कैसे क्या? हाँ हाँ आ जा आ जा आ जा। नो, चटाई के बाहर आने का नहीं। ये अंडों के छिलके निकालना तो मुझसे जमा नहीं और मैंने रोशन को बुलाया कि ये मुझे पहले निकाल के दो। ये कैसे कैसे मैंने एक निकाला था वो अच्छे से नहीं निकला था और इसमें मैंने पानी डाल दिया क्योंकि वो जल रहा था मसाला। बस इसमें अब रख गया है नमक डालने का, जो कि मैं अभी डाल रही हूँ सबसे लास्ट में पानी वानी डालने के बाद। सब सब्जी उल्टी हो गई क्योंकि मेरे को अंडे छिलना ही नहीं जमा। और ये हो गई ऑलमोस्ट सब्जी रेडी। अब इसे आएगी उबाल, फिर उसके ऊपर मैं डाल दूंगी ऊपर से धनिया पत्ता और हमारी सब्जी हो जाएगी रेडी। तो मैं फटाफट से रोटियां बना लेती हूँ क्योंकि अनु उठ गई है और उसे भूख लग गई है तो उसे फीड करना है। जल्दी जल्दी में ना मैं इसमें प्याज और टोमेटो दोनों डालने का भूल गई थी, तो अभी मैंने ऊपर से इसमें डाल दिया क्योंकि अभी सब्जी पकने की थी। और जो धनिया पत्ता बचाया था वो भी ऊपर से डाल दिया है। तो ये मेरी सब्जी हो गई रेडी। यहाँ पे बेचारी खेल रही है उठ के, थोड़ा सा पानी भी उसने पी लिया है। अब चलो इसे मेडिसिन देते हैं, मॉर्निंग की मेडिसिन उसकी बची है देने की। चलो बेतू बेतू चलना क्या चलना क्या? आओ आओ आओ। टेस्टी है उसे। नानू आवडले तुला? और अब मैं उसे देने वाली हूँ ये जेमकेल पी। इसके पहले मैंने दिया ये अपराइज डी, ये 1 ml दिया और ये वाला जो है वो 2.5 ml देती हूँ। इसके बाद शाम का भी एक होता है आयरन वाला मेडिसिन जो कि 1 ml देना होता है और उसका नाम है सोफेरी। अनाया की होने वाली है मसाज, उसके पहले उसकी चल रही है पापा के साथ मस्ती और उसे बहुत मजा आता है ऐसी मस्तियां करो तो। दिन भर उसे ऐसा लगता है कि हम उसे लेके बैठे और ऐसी मस्ती करें उसके साथ। ए अना, है नाया नाया, उसकी बुआ ने उसके लिए नाम बताया है नाया। और हम लोग उसे अनु बोलते हैं तो उसकी बुआ को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। वो हमें फ़ोन करके बोलती है कि उसे नाया बोलिएगा नाया, और बड़ी हो जाएगी तो वो आपको डांटेंगे कि मुझे अनु क्यों बोलते हो आप लोग। सो लेट्स सी। और हमारे मुंह में अनु ही आता है। वैसे नाया नाम आपको कैसे लगा मुझे बताइएगा कमेंट में। अनाया और अब है अनाया के मसाज का टाइम। मैडम बहुत हैप्पी हैप्पी है तो मसाज कर लेंगे, फिर उसके बाद नहाएंगे, अनाया को रेडी करेंगे, अनाया को फीड करेंगे, अनाया के लिए कुछ खाना बनाएंगे और आज हम जाने वाले हैं बाहर। ऐसा है प्लान, बट आगे का कुछ पता नहीं क्योंकि अभी बज गए हैं 3 और हमें अगर लेट हो गया तो शायद प्लान हो सकता है चौपट। और अनाया को ऐसा लग रहा है कि मैं अनाया के साथ ही बातें कर रही हूँ, है ना बेटू? है ना बेटू? शेयश शेयश नन्नू नन्नू कशा बोलते नन्नू? गांगा गांगा
अच्छा बोलती नहीं है। यहाँ पे अभी 5 बज गए हैं और अनाया के अखरोट जो है वो भीग के रेडी है और अनाया बीच बीच में कर रही है ये ऐसे। अनाया भी रेडी हो गई है, मैं भी रेडी हो गई हूँ बाहर जाने के लिए, तो उसे इतना खिला के हम लोग निकल जाएंगे। और यहाँ पे ये अनाया के ड्राई फ्रूट की प्योरी बोल सकते हो रेडी हो गई है और थोड़ा सा पानी डाल डाल के मैंने रेडी किया है और अभी वो मज़े से खाती है। किती तोन बलावला आठवण देशील बरं घरी गेल्यावर माझे नख काढून द्या असं सांगायचं ना। तू आता मोठी झाली हो की नाही नानू नानू स्माइल स्माइल नानू नो स्माइल नो स्माइल नो शाम को बढ़िया से बाहर निकले, चाय वगैरह पिया और उसके बाद हम लोग गए हमारे लिए एक टी पॉय देखने, क्योंकि हमारे घर जो टी पॉय अभी है उसके बहुत ज़्यादा कॉर्नर्स है और वो अनायक को चूरने का डर है। अभी उसने क्रॉल करना स्टार्ट कर दिया है, एक दो तीन महीने जाने के बाद वो चलना स्टार्ट करेगी, इसलिए हमने सोचा उसे रिप्लेस कर देते हैं और नया टी पॉय लेते हैं। तो फिर हम लोग गए, हमें कुछ खास पसंद नहीं आया, एक दो शॉप्स हमने देखे तो एक दो ध्यान में है, जैसे ही हमें लगता है कि अभी लेना चाहिए तो जाके हम ले आएंगे। तो हमारे पास अभी टाइम था इसलिए हम लोग चले गए कि देख के आते हैं कि हमें कैसे चाहिए और कैसे अवेलेबल है, हमारे घर में कौन सा अच्छा दिखेगा, कैसा सूट होगा, क्योंकि अभी जो है वो हमारे फर्नीचर को मैच करके वैसा हमने बना के लिया था पर वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। एंड वहाँ से हम लोग गए डिनर करने के लिए क्योंकि वहाँ पर बहुत लेट हो गया था, घर में आके खाना बनाने के लिए टाइम ही नहीं था, तो घर में ना आते हुए हम लोग गए डायरेक्टली डिनर करने के लिए और अनाया को मैंने फीड कर दिया था कार में ही और उसके बाद हम लोग डिनर करने के बाद घर आए। तो कुछ इस तरीके से था आज का कंप्लीट ब्लॉग, आपको कैसे लगा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अनाया का कंप्लीट रूटीन मैंने इसमें बताया है, जो भी मैं अनाया को खिलाती हूँ सब कुछ मैंने आपको दिखाया है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।